बीजिंग के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के बीच ताइवान के एक न्यूज चैनल ने चीनी हमले की गलती से रिपोर्ट कर दी, जिसके बाद ताइवान सरकार समर्थित एक टेलीविजन स्टेशन ने माफी मांगी और लोगों से ना घबराने की अपील की। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुधवार की सुबह एक लाइव समाचार प्रसारण के दौरान ताइवान के एक टेलीविजन सिस्टम ने गलती से स्क्रीन के निचले भाग के टिकर अलर्ट में सैन्य जहाजों द्वारा ताइवान के महत्वपूर्ण इलाकों में चीनी मिसाइल दागे जाने के बारे में दिखा दिया। अलर्ट में युद्ध छिड़ने के संदेश के साथ साथ ताइवान में एक प्रमुख रेलवे स्टेशन को चीनी एजेंटों द्वारा आग लगा देने की बात और ताइवान के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की स्थिति घोषित करने जैसे संदेश शामिल थे। इसके बाद बुधवार सुबह 10 बजे नेटवर्क की न्यूज बुलेटिन में एक एंकर ने कहा, नागरिकों कृपया ज्यादा घबराए नहीं, हम इस जानकारी को स्पष्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। एंकर ने आगे कहा कि अलर्ट मंगलवार को ताइवान के एक शहर में अग्निशमन विभाग के साथ एक ड्रिल के लिए थे, लेकिन तकनीकी गलती के कारण बुधवार सुबह प्रदर्शित हो गए। गलती से इन बुलेटिनों के दिखने के बाद भी ताइवान में कोई भी दहशत की स्थिति नहीं थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही ताइवान काफी सतर्क हो गया है। ताइवान को लगता है कि चीन भी इसी तरह की कोई हरकत कर सकता है और इसके लिए ताइवान ने तैयारी भी शुरू कर दी है। पिछले हफ्ते ताइवान की सेना ने पहली बार नागरिक सुरक्षा पर एक हैंडबुक जारी किया, जिसमें नागरिकों को युद्ध के समय कैसे जीवित रहना है ये बताया गया।